हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है शॉटकी डायोड। ये शॉटकी डायोड ऑलरेडी हम फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, तो वो फिजिक्स सब्जेक्ट का वीडियो इसके बाद में एडिट करने जा रहा हूं। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। ये शॉटकी डायोड को समझने के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प लेंगे, जिससे करके आपके शॉटकी डायोड के कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या देखा था कि जब आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कनेक्ट करते हो, तब जो डिवाइस बनती है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, और जो भी बाउंड्री पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेपरेट करती है वो बाउंड्री को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब ये जो पीएन जंक्शन है, वहां पे ये जो होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, जिससे करके ये जो लेयर है उसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज होगा। ये जो लेयर है जिसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज होगा, जिसे हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे पीएन जंक्शन डायोड में प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि इसका डिप्लेशन लेयर जो है बहुत हाई है। अगर डिप्लेशन लेयर हाई हुआ तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो भी बहुत हाई होगी। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, उसके हिसाब से जो पोटेंशियल बैरियर बनने वाला है वो भी बहुत हाई होगा, और सिलिकॉन के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर था। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता था, करंट के फ्लो को अपोज करता था। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें यहां से यहां करंट फ्लो कराना हो तो हमें जो भी बैटरी लेंगे वो बैटरी का पोटेंशियल ये पोटेंशियल बैरियर से हाई लेना पड़ेगा, यानी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं तभी जाके करंट फ्लो होगा। ठीक है, जिसके कारण इसका जो फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप है वो बहुत ही ज्यादा होता था, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हो आप। तो फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा क्यों था? एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सपोज ये जो पोटेंशियल बैरियर बना वो 5 वोल्ट का बना। ठीक है, अच्छा, अगर आपने जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई वो एक्सटर्नल बैटरी 5 वोल्ट की लगाई तो क्या होगा, कुछ भी करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट एक दूसरे को खा गए, यानी पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट के बराबर हो गया। अगर करंट फ्लो कराना है तो आप 5 वोल्ट की जगह पे 5+1 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाओगे। अब 6 वोल्ट की जब बैटरी लगाओगे तब उसमें से 5 वोल्ट का तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहां पे फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा है, जो कि सपोज करते हैं 5 वोल्ट के बराबर है। अब पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इसका जो स्विचिंग एक्शन है बहुत ही ज्यादा पुअर होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे। स्विचिंग एक्शन यानी कि आपने ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है एज अ स्विच यूज कर रहे हैं, आपने एक बार स्विच ऑन किया, बाद में ऑफ किया, थोड़ी देर बाद ऑन किया ऑफ किया, तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने अगर बढ़ाई तो क्या होगा, तब इसका जो स्विचिंग एक्शन है पुअर हो जाएगा, यानी जब आप ऑन करोगे उसके कुछ माइक्रो सेकंड बाद करंट फ्लो करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम के कारण कौन सा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, इसका जो स्विचिंग एक्शन है पुअर है, उसके कारण ये जो हमारे सेमीकंडक्टर है डायोड है उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी के स्विचिंग एक्शन पे यूज नहीं कर सकते, जिससे करके एक नए डायोड की खोज हुई जिसे हम बोलते हैं शॉटकी डायोड। ठीक है, अब यहां पे ये जो डायोड है उसे हम बाईपोलर डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों बाईपोलर डिवाइस? क्योंकि यहां पे करंट का फ्लो 2 चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल, 2 यानी बाईपोलर डिवाइस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी समझ में आ गई, कौन सी प्रॉब्लम थी? पहले तो इसका डिप्लेशन लेयर ज्यादा था, जिससे करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, जिससे करके इसका पोटेंशियल बैरियर ज्यादा था, जिससे करके इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा था, जिससे करके इसकी स्विचिंग एक्शन पुअर थी हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? शॉटकी डायोड की हेल्प से। अच्छा, अब शॉटकी डायोड में हम कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करें?
तो सबसे पहले हम एक मेटल लेंगे, कोई भी मेटल लेंगे, स्पेसिफिकली हम लेंगे एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनियम। ये मेटल को हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, तब जो डिवाइस बनेगी उसे हम स्कॉटी डायोड बोलेंगे या फिर बोल देंगे मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, स्कॉटी डायोड कैसे बनाएंगे, एक मेटल ले लेंगे, कौन सी मेटल, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसको एन टाइप से कनेक्ट करेंगे तो जो डिवाइस बन के आएगी उसे स्कॉटी डायोड बोल देंगे या फिर मेटल सेमीकंडक्टर डायोड बोल देंगे। और जो भी बाउंड्री बनेगी जो मेटल और सेमीकंडक्टर को सेपरेट करेगी वो बाउंड्री को हम बोल देंगे MN जंक्शन या फिर स्कॉटी जंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब मेटल में हमें पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर इधर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पे जो हमने देखा पीएन जंक्शन में कि जंक्शन के पास होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे और डिप्लेशन लेयर बनाएंगे, अब यहां पे होल तो है ही नहीं, होल ना होने के कारण क्या होगा, अब डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा तो डिप्लेशन लेयर तो बनेगा लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल विड्थ का बनेगा, बहुत ही निग्लिजिबल विड्थ का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, इसलिए निग्लिजिबल विड्थ का एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगा जिससे करके निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, जिससे करके पोटेंशियल बैरियर जो होगा, पोटेंशियल बैरियर वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, जो कि होगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया इसका मतलब क्या, जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि इसका पोटेंशियल बैरियर 1 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, और हमने लगाई है 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब ये जो 6 वोल्ट है उसमें से 1 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट ऐसे लिख देता हूं, 1 वोल्ट ये 1 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर के साथ खा जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का आएगा और 5 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट है स्कॉटकी डायोड में और हमारा जो ये वाला पीएन जंक्शन डायोड है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप था 5 वोल्ट का, यानी यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया तो इसका जो स्विचिंग एक्शन है वो क्विक हो गया हाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो तुरंत ही करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, जबकि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा था इसलिए जब स्विच ऑन करते थे तब कुछ माइक्रो सेकंड के बाद करंट फ्लो होता था, तो ये इसका एडवांटेज है। अब ये जो स्कॉटकी डायोड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसे हम यूनिपोलर डिवाइस बोल सकते हैं, यूनि यानी एक, इसे हम हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब हमने पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी डिस्कस किया था, वो कुछ ऐसा था, और स्कॉटकी डायोड का जो सिंबल है वो यहां पे मैंने बना के रखा है, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन की जगह इंटीग्रेशन टाइप कुछ बनाना है, यहां पे एम लिखोगे, यहां पे एन लिखोगे, एम यानी मेटल, एन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब प्लस माइनस जब लिखेंगे तब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो MN डायोड है या स्कॉटकी डायोड है उसका हम बायसिंग कर रहे हैं, यानी उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी दो आते हैं, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या, कैसे बैटरी कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहले तो हम एक स्कॉटकी डायोड ले लिया, जो मेटल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होगा, हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था फॉरवर्ड बायस में, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड बायस करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्यों, डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा, और इसका ये रहा सिंबल, मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा एन टाइप है, उसे नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग में ऑपोजिट करेंगे, मेटल को नेगेटिव के साथ, मेटल को नेगेटिव के साथ और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे करके डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, जिससे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जिससे करके पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। ठीक, अब आखिरी इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, तो ये आई है, ये वी है। ठीक, अब यहां पे हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में तो देखा था,
पीएन जंक्शन डायोड में हमने बोला था कि ये जो होता है हमारा नी वोल्टेज था या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज था या फिर कट इन वोल्टेज था, ठीक है। अब यहां पे जो नी वोल्टेज है किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, वो बहुत ही ज्यादा है, यानी यहां से लेके यहां तक अगर आप पोटेंशियल दोगे, इतना पोटेंशियल ड्रॉप कराओगे तब जाके करंट फ्लो होगा। लेकिन स्कॉटी डायोड की बात करें तो स्कॉटी डायोड में सिर्फ इतना ही पोटेंशियल आप दोगे, इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिससे करके करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, जिससे करके इसकी जो स्विचिंग एक्शन है हायर फ्रीक्वेंसी पे वो अच्छी मिलेगी। अच्छा, तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी थी। तो ये पीएन जंक्शन डायोड की ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसमें ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज था, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ये हमारा जो स्कॉटी डायोड का जो वोल्टेज है उससे बहुत ज्यादा है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप है, इसलिए इसका स्विचिंग एक्शन पुअर है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम है, कम पोटेंशियल देने पे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, यानी स्कॉटी डायोड का जो स्विचिंग एक्शन है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ही ये सेमीकंडक्टर का पूरा यूनिट होता है समाप्त। इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।